हेलो गाइस, आज हम रिगोल्ड को धोने वाले हैं और इसमें आपको दिखा दूंगा कहाँ पे प्रेशर वाटर यूज़ करना है, कहाँ पे आराम से धोना है। और इसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, बैटरी निकाल लेता हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बट मैं बैटरी कंपार्टमेंट में ये जरूर देखूँगा कि पानी गया नहीं गया, ठीक है, ये जरूर देखूँगा। सो गाइस, ये मैंने बैटरी निकाल लिया, अब इसे मैं साइड में रख देता हूँ, उसके बाद धोएंगे आराम से। निकाल लिया है और ये है स्प्रे गन, ये स्प्रे गन है जो कि हम 150 रुपए की परचेज करके लाए हैं। ये मैं लेके आया हूँ स्प्रे गन, इसमें बहुत सारे फीचर है, ये आपके आसपास दुकान पे मिल जाएगी, 100-120 रुपए की आती है, ऑनलाइन थोड़ी महंगी आती है, अलग अलग फीचर होते हैं इसमें, तेज मंदा, तो बाइक धोने में काफी कारगर होता है। और अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो, बट ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा आता है। सबसे हल्के वाला कर लिया है, फुहारा है, अब मैं इसे थोड़ी गीली कर लेता हूँ। इतने प्रेशर से धो रहे हो ना, इतने प्रेशर से धोए तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ पे आएगी, वहाँ कहाँ पानी नहीं डालना है। तो अगर बाइक को पहले गीला करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, उस तरह भी मार देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं इस तरह बोल रखा है मैंने, लिक्विड सोप है, लिक्विड सोप है, अब इससे थोड़ा कपड़ा मार देते हैं। ये कोई हार्ड कपड़ा नहीं, बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा। यहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया है तो हमें यहाँ पे ना ज्यादा प्रेशर वगैरह नहीं मारना है, बिकॉज कंपोनेंट है यहाँ पे, हॉर्न भी है यहाँ पे, जीपीएस वगैरह भी, तो ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। बाकी जगह आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा बचा के चलना है, यहाँ पे मत डालना। और इसके अलावा यहाँ इस साइड भी, सेम साइड भी वही है ओपन, वहाँ भी नहीं डालना, वहाँ पे हॉर्न है। तो भाई ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत गंदा रहता है, इसे हम प्रेशर से करेंगे, बिकॉज ये आराम से साफ भी नहीं होता है, तो इसके लिए प्रेशर मारता हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे गंदगी एकदम निकल गई, तो आप ये इक्विपमेंट खरीद लोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिकॉज बार बार ऐसे साफ नहीं कर पाएंगे कपड़े वपड़े से, टाइम लेता है बहुत। तो एक बार में चकाक हो गया यहाँ से मामला, और डिस्क वगैरह पे मार सकते हो यहाँ पे ऐसे, बाकी फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस बैटरी वाले एरिया में हमें थोड़ा करना है, और जहाँ से ओपन है ना वहाँ पे थोड़ा देखना है कि ना लगे, बाकी यहाँ आराम से धो सकते हो, ये मीटर वीटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई दो चीज यहाँ पे गंदी रहती है, एक तो आगे वाला फ्रंट और एक यहाँ पे, जो यहाँ पे मट्टी होती है ना वो बहुत गंदी आती है, तो मैं यहाँ पे ऐसे साफ करूंगा इसे, फटाफट से निकल गया। तो ये इक्विपमेंट मुझे काफी अच्छा लगा, ये गार्डनिंग के लिए होता है, बट इसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं, और कोई जरूरत नहीं है हाथ वाथ मारने की, बड़े आराम से दिख रही है यहाँ से कितनी मिट्टी निकल रही है, पूरी मिट्टी निकल गई यहाँ से, यहाँ मार दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टायर हो गया इसका, व्हील हो गया, व्हील को भी आराम से धो देता है, तो मुझे तो काफी बढ़िया लगा ये, इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा ऊपर से, यहाँ से बूंद ना जाए, और अभी देखते हैं बैटरी के कंपार्टमेंट में कितना पानी गया है, ठीक है, बाकी तो बाद में सुखाएंगे, मीटर वीटर और चमक गया सब, ज़्यादा नहीं आया। सो गाइस, ये है आपके सामने लाइव टेस्ट, और यहाँ पे मैंने एक गलती करी है कि मैंने वो वाला जो इसका कंपार्टमेंट होता वो रखा ही नहीं मैंने, और उसके बिना भी, बिकॉज अगर वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसके अगर ये लग जाता ना तो आप देख सकते हो यहाँ से ये एरिया सील हो जाता है, बट इसके बिना भी, क्योंकि मैं भूल गया था, उसके बिना देखें कितना पानी गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बूंद है, कुछ बूंद पड़ी है यहाँ भी, नीचे भी है अंदर, और इस एरिया में भी थोड़ी है। सो गाइज, ये एरिया ओपन है मेरे ख्याल से, तो यानी अगर हम नीचे से पानी मारे यहाँ से उल्टी तरफ तो मे बी यहाँ पे पानी आ सकता है, बट यहाँ पे अगर ये कवर होता तो शायद ये ब्लॉक कर देता पूरी तरीके से। सो गाइज, यहाँ पर मैंने बैटरी इंस्टॉल कर दी है, अब इसकी अग्नि परीक्षा, देखते हैं ये चालू होगी या नहीं होगी, ठीक है, या इसमें से कोई बम बड़ा हो जाएगा, मुझे थोड़ा डर लगता है इलेक्ट्रिक चीज़ों से। कहाँ है चाबी भाई, चाबी कहाँ है, चाबी 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 चल नहीं रही है भाई, तो आई थिंक मैंने नीचे से एमसी ऑन नहीं करी है, हाँ एमसी ऑफ थी गाइस, थोड़ा मैं डर भी गया था, मेरे पापा यहीं मारते बहुत। ठीक है गाइस, यहाँ पे चल गई है, और गाइस टक टक चल गई।
इसे धोया है और इसका वाटर टेस्टिंग भी हो गया कितनी वाटर प्रूफ है, यानी बारिश वारिश तो आराम से झेल लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप जबरदस्ती पानी ठूसोगे तो पानी चला जाएगा, ठीक है। और धो लिया भी, इसकी शाइनिंग रह रही है, शाइनिंग करने के बाद ना एक पिक क्लिक कर लूँगा, वो इस वीडियो के एंड में लगा दूँगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद मैं इसे सेट कर देता हूँ प्रेशर पे, ये उसमें